Realme GT Master Edition और Motorola Edge 20, ये दोनों फ़ोन दोस्तों सेम प्रोसेसर के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइस में आपको जो है 4000 का डिफरेंस देखने को मिलता है। दोनों में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे स्पेक देखने को मिलते हैं, फीचर जो है काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। ऐसे में कई सारे लोगों को दोस्तों जानना है कि इन दोनों फ़ोन में क्या डिफरेंस है और कौन सा फ़ोन हमारे लिए लेना सही रहेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारे सवाल का जवाब मिलने वाला है। हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे इन्हीं दोनों फ़ोन का, जिसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। शुरू करते हैं दोस्तों इस फ़ोन के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से। दोनों ही फ़ोन में आपको पॉलीकार्बन बॉडी देखने को मिलती है। रियलमी GT मास्टर एडिशन का जो डिज़ाइन है वो एकदम अलग है दोस्तों। यहाँ पे जो है डिज़ाइन सूटकेस जैसा है, सूटकेस जैसा डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है और ये काफ़ी हद तक सूटकेस से इंस्पायर्ड है, जो दिखने में दोस्तों काफ़ी अच्छा और काफ़ी अलग लगता है। दोनों ही फ़ोन में आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है और दोनों ही फ़ोन में आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिल जाती है। Realme GT Master Edition में जो सूटकेस वाला डिज़ाइन है उसकी थिकनेस दोस्तों लगभग 8.7 mm है और ये 180 ग्राम के आसपास का है। बाकी दो कलर ऑप्शन में जो आपको फ़ोन मिलते हैं उनकी थिकनेस 8 mm की है और ये 174 ग्राम के आसपास के हैं। वहीं पे Motorola Edge 20 थोड़ा सा पतला फ़ोन है, ये जस्ट 7 mm थिक है और 163 ग्राम के आसपास का है, यानी ये काफ़ी लाइट वेट है। दोनों फ़ोन को अगर एक साथ में देखा जाए तो ऑब्वियसली दोस्तों जो Realme का सूटकेस वाला डिज़ाइन है वो ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों को यही वाला डिज़ाइन पसंद आएगा। अब अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो Realme GT Master Edition में आपको मिलता है 6.43 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। ये एक 8-bit डिस्प्ले है दोस्तों, जहाँ पे आपको 16 मिलियन कलर्स देखने को मिल जाते हैं। सुपर एमोलेड पैनल आपको इस फोन में देखने को मिलता है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है और साथ ही साथ 360 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट आपको मिल जाता है। इस फोन की जो पीक ब्राइटनेस है वो है 1000 निट्स की। फोन में सिंगल पंच होल है। प्रोटेक्शन के लिए कौन सा ग्लास इस्तेमाल किया गया है इसको लेके कंपनी ने कुछ भी नहीं बोला है। वहीं पे Motorola Edge 20 की डिस्प्ले थोड़ी बड़ी है, इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस 10 बिट का OLED डिस्प्ले मिलता है। 10 बिट यानी आपको यहाँ पे 1 बिलियन कलर्स देखने को मिलते हैं डिस्प्ले में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। और यहाँ पे कलर्स वगैरह आपको बेटर देखने को मिलेंगे दोनों फ़ोन को अगर आप एक साथ लेके यूज़ करोगे तो। ये फ़ोन 144 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट और 576 हर्ट्ज़ की टच सैम्पलिंग रेट के साथ आता है। सिंगल पंच होल है यहाँ भी और आपको इसमें 450 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए दोस्तों, ज़्यादा टच सैम्पलिंग रेट और ज़्यादा हाइयर रिफ्रेश रेट में आपको फ़ायदा कहाँ होने वाला है। जब आप गेमिंग करेंगे ना, वहाँ पे टच रिस्पॉन्स आपको जो है बेटर देखने को मिलेगी। अगर आपका रिफ्रेश रेट ज़्यादा है, टच सैम्पलिंग रेट ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको टच रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर मिलेगी। अब दोनों की डिस्प्ले को अगर देखा जाए दोस्तों, तो Motorola Edge 20 का डिस्प्ले बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और साथ ही साथ टच सैम्पलिंग रेट भी बेटर है और डिस्प्ले में आपको Gorilla Glass की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो दोनों फ़ोन में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, स्नैपड्रैगन 778G, GPU भी सेम है, एड्रिनो 642L, तो परफॉर्मेंस में कोई मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। डे टू डे यूज़ में दोनों ही फ़ोन सिमिलर तरह की परफॉर्मेंस आपको देने वाले हैं। दोनों का एंटूटू स्कोर दोस्तों लगभग सिमिलर ही आपको देखने को मिलता है, लगभग 5,40,000 के आसपास का एंटूटू स्कोर दोनों में हमें देखने को मिल जाता है। रियलमी GT मास्टर एडिशन में आपको GT मोड देखने को मिलता है, जो परफॉर्मेंस और गेमिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव्ड करता है। लेकिन दोस्तों जो मोटो है ना, उसमें भी आपको गेमिंग मोड देखने को मिलता है, तो ये भी सिमिलर तरह का काम करता है। Motorola Edge 20 में आपको 8GB 128GB का सिंगल वेरिएंट देखने को मिलता है, जबकि Realme GT की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे तीन वेरिएंट हैं, 6GB रैम 128GB स्टोरेज, 8GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB स्टोरेज और 256GB स्टोरेज। अच्छी बात है कि Realme ने ज़्यादा ऑप्शन दिया है यहाँ पे। दोनों ही फ़ोन में आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है, दोनों ही फ़ोन में सिर्फ आप दो सिम लगा सकते हैं। Realme GT Master Edition में आपको UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है, जबकि Moto Edge 20 में आपको UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है, तो ये एक नोटिसेबल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा Realme में आपको वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो हेवी गेमिंग या फिर हेवी यूज़ पे भी आपके फ़ोन को बहुत ज़्यादा हीट होने नहीं देता है। कैमरास की बात करें तो Realme GT Master Edition में कैमरास उतने दमदार नहीं है। पीछे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी
क्वालिटी सेंसर 64 मेगापिक्सल का है और ये एक ओमनी विजन कैमरा सेंसर है दोस्तों। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। ऐसा कैमरा सेटअप आज की डेट में हर 15-20 हज़ार के फ़ोन में आपको देखने को मिल जाता है और कई सारे फ़ोन में तो इससे भी बेटर देखने को मिलता है। बाकी रियर साइड से आप 4K में 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और EIS का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। फ्रंट साइड की बात करें, सेल्फी की बात करें, तो सेल्फी के लिए यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस्तेमाल किया गया है जो कि सोनी का सेंसर है। अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पे सोनी का सेंसर इस्तेमाल किया गया है, इससे आप अच्छे फोटोज़ और वीडियोस ले सकते हो। फुल HD में आप जो है यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वहीं पे मोटो एज 20 की बात करें तो यहाँ पे कैमरास काफ़ी दमदार आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें रियर साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप है जिसमें मेन सेंसर दोस्तों 108 मेगापिक्सल का है। ये कौन से कंपनी का सेंसर है इसको लेके मोटोरोला ने कुछ भी नहीं बताया है। इसके अलावा 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है। जनरली अगर अंडर 30,000 के नीचे देखा जाए तो बहुत ही कम फोन्स हैं दोस्तों जिनमें आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। इसमें भी दोस्तों रियर साइड में 4K में 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और EIS का सपोर्ट यहां पे भी है। सेल्फी के लिए यहां पे भी आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। ओवरऑल मैं मोटोरोला के कैमरा से ज्यादा इंप्रेस हुआ। अब बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में, तो Realme GT Master Edition में 4300 mAh की बैटरी मिलती है और 65W का फास्ट चार्जिंग मिलता है जो आपके फ़ोन को तकरीबन 33 मिनट में फुल्ली चार्ज कर सकता है। वहीं पे Moto Edge 20 की बैटरी कम है दोस्तों, यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी मिलती है और 30W का फास्ट चार्जर मिलता है और इसको चार्ज होने में लगभग 1 घंटा या फिर उससे ज़्यादा का टाइम लग जाता है। बैटरी दोनों में ही अगर देखा जाए तो कम है, लेकिन Motorola में कुछ ज़्यादा ही कम है दोस्तों, क्योंकि इसकी डिस्प्ले बड़ी है, रिफ्रेश रेट भी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से 4500 mAh की बैटरी अच्छा होता और बेटर बैटरी बैकअप मिलती। इसके अलावा दोनों फोन में आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है, Realme में Realme UI 2.0 देखने को मिलता है, जबकि Motorola में स्टॉक लाइक UI आपको देखने को मिलता है जहां पे आपको क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। बाकी दोनों ही फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक का फीचर है और सभी बेसिक सेंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। Realme में NFC का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, मगर इतने प्राइस होने के बावजूद भी दोस्तों दोनों ही फ़ोन में सिंगल स्पीकर दिया गया है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा दोस्तों। आज की डेट में अगर देखा जाए तो Redmi के 10,000 वाले फ़ोन में आपको डुअल स्पीकर स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है और यहाँ पे इतने प्राइस में भी आपको सिंगल स्पीकर मिल रहा है। Realme GT Master Edition में आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है, जबकि Motorola Edge 20 में ये आपको नहीं मिलता है। दोनों ही फ़ोन में वाइड वाइन एलमन का सपोर्ट है जिससे आप OTT प्लेटफॉर्म पे HD में कंटेंट स्ट्रीम कर पाओगे। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में, Motorola में आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिलता है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ जिसकी प्राइस 29,999 रुपये है, और Realme में 3 वेरिएंट हैं, 6GB रैम 128GB स्टोरेज जिसकी प्राइस 25,999, 8GB 128GB 27,999 रुपये और 8GB 256GB की प्राइस 29,999 रुपये है। सो यहाँ पे आपको ऑप्शंस ज़्यादा मिल रहे हैं, आपका अगर बजट कम है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो चीप वेरिएंट है दोस्तों उसको आप परचेस कर सकते हो। अब कौन सा लेना सही रहेगा, तो दोनों ही फ़ोन में दोस्तों बहुत सारे अच्छे फीचर्स के साथ साथ काफ़ी कॉस्ट कटिंग भी की गई है और बहुत सारे यूज़फुल फीचर्स निकाल दिए गए हैं दोस्तों। लाइक Realme GT Master Edition में कैमरा उतना आपको दमदार देखने को नहीं मिलता है, लेकिन 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलता है, फास्ट चार्जिंग बैटर देखने को मिलती है। वहीं पे Moto Edge 20 में कैमरास तो बहुत अच्छे दिए गए हैं, टेलीफोटो लेंस भी आपको देखने को मिल जाता है जो इस प्राइस में काफ़ी कम देखने को मिलता है। डिस्प्ले यहाँ पे 10 bit की है और हाइयर रिफ्रेश रेट भी आपको देखने को मिलता है 144Hz का, लेकिन यहाँ पे बैटरी उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों और फास्ट चार्जिंग भी थोड़ी सी स्लो है अगर हम कंपेयर करते हैं Realme GT Master Edition से। तो ओवरऑल दोनों में से चूज़ करना हो अगर तो मैं आपको कहूँगा Realme GT Master Edition के साथ ही जाओ, क्योंकि इसमें आपको प्राइस थोड़ी सी कम लग रही है। आप अगर 6GB वेरिएंट लेते हो तो आपका 4000 रुपये बच सकता है। बाकी इसके अलावा भी आपको काफ़ी अच्छे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे पोको F3 GT हो गया, OnePlus Nord 2 हो गया, तो ये सारे फ़ोन्स भी आप थोड़े पैसे देके ले सकते हो। बाकी आपका क्या सोचना है दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए इन्जॉय करें।